मसाइल में गुजारा करके हमने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। अब भी वो कहता है कि आपने घबराना नहीं, मुतमईन है वो बुरा हाल हमारा करके। अपोजिशन की बेकरारी है बढ़ रही, लो फिर आ रहे हैं वासु चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़क दिलों सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह सारे ही फ्रेश हैं, बिल्कुल आपकी तरह। हाय हाय हाय, शुक्र करो तुसी अंकर हो गए जी, नहीं तो डिफेंस से ताड़े वर्गे बंदे बिल्लियां दा खाना भेजदे। मजे की बात यह है कि अगर आप कर ही देते हैं कोशिश ऐसी तो उस पर कायम तो रहा करें। उसको यकीन नहीं आता कि मेरे मुंह से निकल गई बात। मैंने बड़ी बड़ी अच्छी बात करता है माशाल्लाह। नहीं नहीं, ज़हीन आदमी है, फैमिली इन्होंने, इसने मुझे कहा कि अगर वासे भाई एंकर ना होते तो किसे भी पिंड च मिठी दे के लून पा के मार खा लेंगे। शुक्र करो होस्ट बन गए। अच्छा, नहीं तो यहोजे बंदे ना अमरूदा के बाग के विचों तोते डांदे ने, गो पैरट गो, गो पैरट गो। शुक्र करें होस्ट हो गए, वरना आप जैसे लोग चिड़ियाघर में जाके कहते हैं आप मुझे जॉब दे सकते हैं, आप क्या करेंगे? मैं रीच को खाना खाना सिखाऊंगा। शुक्र करो होस्ट हो गए, नहीं तो यहोजे बंदे बारी जम्मू कट के सिर्फ इना पहुंच देंगे, भाए ताड़ी लाइट भी आ रही है। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, पेशावर तशरीफ लाई हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर मोहतरमा आयशा बानो। साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान वो हैं एक मेल मॉडल जो कि पढ़ रहे हैं आईटी, लेकिन ग्लैमर की दुनिया उनको आराम से बैठने नहीं दे रही, जनाब अब्दुल मनान। शो जी, आज बड़ी खुशी हो रही है कि अब्दुल मनान आया सर। क्या बात, आज के वक्त का बेहतरीन मॉडल है सर और मेरा फेवरेट है। एक बहुत ही खूबसूरत शेर लाया हूं मैं आशा जी के लिए। कोई कुछ और कोई कुछ कहता जा रहा है, वाह वाह, कोई कुछ और कोई कुछ कहता जा रहा है, सियासत में अजब कड़मस मचाया जा रहा है। क्या बात, सियासत में अजब कड़मस मचाया जा रहा है, ये किसको है खबर के वक्त अपनी बंसरी पे, ये किसके कहने पर क्या कुछ बजाता जा रहा है। अच्छा जी, पीटीआई हाय हाय, नेड़े दी ना दूर दी गल है, ओए होए होए, अज जालम दी ना मजबूर दी गल है, नेड़े दी ना दूर दी गल है, अज जालम दी ना मजबूर दी गल है, वादा पूरा एक नहीं कीता, तब्दीली ते बड़ी दूर दी गल है। हक छोड़ के कहते हैं फितना हक में बेहतर है, अरे रिश्ता ये सोच कर बनाते हैं कितना हक में बेहतर है। मैंने कहा खान साहब आप इतना चंदा क्यों मांगते हैं, कहते इसलिए कि हुकूमत के हक में बेहतर है। ऐसा जी, क्या हालचाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, थोड़ा बहुत देखा। तो चलें, आइडिया तो है आपको। हाँ जी, और मनाना आपने देखा हुआ है? जी, मैंने बहुत दफा देखा है और मैं इनसे रिलेटेड इसको फॉलो भी करता आ रहा हूँ 3-4 साल से, और मैं कंटिन्यूसली हर शो देखता हूँ। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सारे बड़े हसीन लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब तुसी साडा शो नहीं वेखिया? कौन वेखेगा?
मेरा बदला इन्होंने ले लिया है। अच्छा, देखो वैसे मुझे एक बात बताएं ऐसे जी, पीटीआई से आप हैं और चपले खानसा वाली आपने पहनी हुई है, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस हर जगह पर फैला हुआ है। आने से पहले ही हो जाता है, आपकी पहली मुलाकात है इनसे? जी जी बिल्कुल। तो आने से पहले ही यानी कि असर आप लोगों ने छोड़ दिया हुआ है? वो इनको पता था ना कि पीटीआई वाले आ रहे हैं। अच्छा, तो ये इसलिए आप वैसे वोट डालते हैं? या मैंने डाला है, और एक ट्रेजेडी भी है, मैंने अपनी लाइफ का पहला वोट खान साहब को डाला है। अच्छा, जब मेरा आईडी कार्ड बना था उसके बाद। हाँ। और वैसे तो पॉलिटिकल लिहाज से मैं किसी को फॉलो नहीं करता, ठीक है, एक स्ट्रगलिंग लिहाज से खान साहब मेरे फेवरेट हैं, कि एक उन्होंने 22 इयर्स का एक वो सारा जर्नी तय करके उन्होंने कोई गिव अप नहीं किया, और फिर जाके वो नाउ ही जस्ट बिकेम द पीएम ऑफ पाकिस्तान, तो उस लिहाज से मैं उनको फॉलो करता हूँ। ठीक है, लेकिन ट्रेजेडी क्या हुई इसमें? लाइक यही कि मैंने उनको पहला वोट डाला। ये ट्रेजेडी जी मेरे लिए। ये कैसे ट्रेजेडी? मेरे वालिद साहब जो थे, वालिद मोहतरम, तो उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि बेटा तुमने डालना है नून लीग को वोट। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी मेरे जो दादा हैं और मेरे बाबा वगैरह हैं वो सारे नून लीग के वोटर्स थे। उन्होंने तो बाजू पे शेर का टैटू भी बनाया। अच्छा, नून लीग के वोटर्स थे जी, तो उन्होंने मुझे ये कह के कहा था, और मैंने कहा था कि ठीक है मैं डालूंगा। ठीक है, लेकिन वहां जाके मैंने। तो आप खुश हैं अपने फैसले से? या मैं खुश। और घर वाले? उनको मैंने नहीं बताया। आज पता चलेगा घर वालों को? जी पता चल जाएगा उनको। यानी कि दो साल बाद इस प्रोग्राम के थ्रू ये इंकशाफ होगा घर वालों पे, जब आप ये देख रहे हैं शो इकट्ठे बैठ के अपनी फैमिली के साथ, कि आपने वोट उनको नहीं डाला था। तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बस फिर मैं कितना सहमा हुआ आपका वोटर है आशा जी, इनको कोई हौसला दें, वो क्या करे, आज उसका इंकशाफ हुआ ही है। नहीं नहीं, बस इनको तसल्ली रहे कि ये इंशाल्लाह अगला इलेक्शन भी हम ही जीते। नहीं, वो अगले इलेक्शन तक घर रहेगा तो वोट डालेगा ना। मुतालबा होगा ना कि जब मुझे घर से निकाल दिया जाएगा फिर मैं खान साहब को कहूंगा। तो ये वही वाला घर होगा जो खान साहब ने कौम को देने का वादा किया? नहीं, वो ये तो, ये मैं तो सोच रही थी ये दुल्हन का कहेंगे कि मेरी शादी कर रहे हैं, ये घर मांग रहे हैं तो सस्ते में हम छूट जाएंगे। खान साहब ने शादी भी चंदे दे पैसे ना कहना करो। ये अच्छा जी, क्यों ऐसी बातें फैली हुई हैं? देखिए, इनको भी खुशी देने का मौका है, वो भी खुश होते रहे इन बातों पे। अच्छा, यानी कि आप लोगों को तंकीद हो तो आप करने देते हैं कि खुश होते रहे? मैं आपको एक ऑनेस्ट की बात बताऊं, हम लोगों को आदत हो गई है चंदा मांगने क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म की? देखिए, क्रिटिसिज्म उन्हीं की होती है जिनसे आप कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अच्छा, जब आपकी कोई तवक्को होती है तो तब, अब आपके घर में आपके बच्चे हैं, जिसमें से जो बच्चा आपको लगता है कि जो काम करने वाला है उसको कभी आप अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, और जो बच्चा आपका नलायक है बिल्कुल काम करने वाला नहीं है उसको आप क्रिटिसाइज कर करके एक आध दिन के बाद फिर भूल जाते हैं कि आपको पता है वो करता ही नहीं। अगर वो क्रिटिसिज्म आ रही है तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। अच्छा, यानी कि आपके ख्याल से कि ये वजह है कि इसलिए पीटीआई को इतना क्रिटिसिज्म मिलता है? बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस है लोगों की। ये तो आपको तो वैसे नून लीग वाले बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे? नहीं, वो तो वो हैबिचुअल है। ये क्या बात है कि नून लीग वाला वो तो हैबिचुअल हुआ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, डीप डाउन इनसाइड वो भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और डरते हैं, इसलिए तो मुझे ये बताएं कि आप लोग किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी भी कर रहे हैं? बिल्कुल पूरे कर रहे हैं, पीटीआई वालों के अलावा बिल्कुल कर रहे हैं। जैसा कि देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, आप लोग वो काम कर रहे हैं, जनरली मैं बात कर रही हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं जनरली बात कर रही हूं कि जब आप एक बंदा एक बच्चा बैठता है पेपर के लिए, बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन पे आपने बिठा दिया और वो एग्जामिनर आके सर पे आके खड़ा होकर देखता है और वो कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तुमने इसमें ये पॉइंट गलत लिखा है वो पॉइंट गलत लिखा है, भाई आप उस बच्चे को पूरा एक पेपर सॉल्व करने दें, आप छोड़े कि वो करे पूरे अटेम्प्ट करे, उसके बाद फिर टेस्ट रिजल्ट आएगा, हमारे 5 साल आप पूरे होने दें, आपका सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, परफॉर्मेंस नहीं अच्छी तो भी पता लग जाएगा, होगी अच्छी तो भी पता लग जाएगा। मगर क्रिटिसिज्म तो जो होता है हुकूमत वक्त चाहे कोई भी हो, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। पिछली वाली हुकूमत थी तो आप लोग भी 5 साल कंटिन्यूअसली क्रिटिसिज्म करते रहे, उससे पहले वाली जब थी उससे भी क्रिटिसिज्म करते रहे, तो जब आपकी अपनी बारी आई तो फिर ये क्रिटिसिज्म बुरा क्यों लगता है? देखिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म तो आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को अच्छा करती है, सो हेल्दी क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए, और क्रिटिसिज्म डिपेंड करता है कि किस चीज पर। हेल्दी क्रिटिसिज्म से ज्यादा है बुज़दार साहब का क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं, फिट A1। वो वाला क्रिटिसिज्म हेल्दी लगता है आपको या नहीं? वो तो देखिए, आप लोग असल में फिर मैं आप लोगों से मतलब मेरा नहीं, नहीं, आप करें करें, हम आदि हो चुके हैं। इन्होंने तुसी नवाज शरीफ ही समझो करो तुसी। बिल्कुल, आप खुल के करें। आपसे मतलब ये होता है कि जनरल जो पब्लिक है उन लोगों को वो जो पीटीआई में नहीं है, नहीं जो लोग पीटीआई में है जो नहीं है, इवन मैं जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ, उनको आदत हो गई है, 4-6 चेहरे हैं
जो कि कहते हैं कि बस ये आना चाहिए। आपका जो सदन पंजाब है वो बिल्कुल डिप्राइव्ड था। मैं तो केपी की हूँ, आप पंजाब के हैं, यू आर द बेस्ट पीपल टू कमेंट ऑन इट कि आप लोगों को नहीं लगता कि अगर वहां का रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो उस इलाके में भी कहीं ना कहीं से खुशहाली आएगी, वहां पर काम होगा, क्योंकि सारा फोकस वगैरह जो पिछली गवर्नमेंट का था पंजाब का वो एक एरिया 100% विद यू ऑन दिस के सदन पंजाब से होना चाहिए था। तो इसके ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन जो आता है जब ये वाली हमें लॉजिक पीटीआई वालों की तरफ से मिलती है कि सदन पंजाब के अंदर बहुत से पीटीआई के ऐसे अराकीन हैं जो कि अब इस वक्त असेंबली के अंदर भी मौजूद हैं जो कुछ अरसे से पीटीआई से जुड़े हुए थे, तो वो कहते हैं कि बुज़ार साहब तो अभी 6 महीने 8 महीने पहले इलेक्शन से आए थे पीटीआई के अंदर, तो व्हाई हिम ओनली? नहीं तो बट व्हाई नॉट हिम? व्हाई हिम नहीं बट व्हाई नॉट? जो पहले के पीटीआई में ज्यादा तो कोई देखे, अब अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो जरूरी तो नहीं है कि आप किसी ऐसे बंदे को लेकर आएंगे जिसको आपकी आपको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। नहीं नहीं, दूसरा ये देखिए अब है जी, मैं भी जरा आपसे क्वेश्चन जी जी जरूर जरूर कि मुझे बताएं कि क्यों पंजाब में क्या है जो नहीं हो रहा है? व्हाट आर योर ग्रीवेंसेस? आपकी ग्रीवेंसेस क्या है? मतलब सब कुछ तो हो रहा है, हेल्थ पे भी काम हो रहा है, हेल्थ पे भी काम हो रहा है, एजुकेशन के ऊपर भी हो रहा है आए दिन। अब आपका पंजाब के आप लोग रहने वाले हैं, ये मेरे जो साथ में हमारे दोस्त बैठे हुए मॉडल, ये अब आपको अच्छी तरह बताएंगे कि पंजाब में क्या कुछ नहीं हुआ। मॉडल साहब आप बताएं क्या हो रहा है पंजाब में? मैं बुज़दार साहब ने पूछा, मैं पंजाब च की हो रहा है, कहना मेरी तो नींद पूरी हो रही है जी। कितने बुरे हो तुम, मना ना बताएं। मैं सिर्फ इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो पेंडेमिक अभी गुजर रहा है या गुजर चुका है या अभी मेरे ख्याल से नहीं गुजरा या थोड़ा सा रह गया, फाइनल एक कर लेते हैं बात, हल्का हल्का हो रहा है। चले तो चीज हाईलाइट ये करना चाह रहा हूँ कि स्पेशली जो सबसे बड़ा जो मसला आता है, जो प्रॉब्लम आती है, वो हम जैसे स्टूडेंट्स को आती है स्पेशली। अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस हमारी हो रही हैं और अब काफ़ी बच्चों को फेस हो रहा है कि ये जो अर्बन एरियाज में जो रहते हैं पंजाब के कुछ, तो उनके पास नेटवर्क नहीं है, उनके पास लैपटॉप भी नहीं है, ऑब्वियसली नेटवर्क नहीं है, लैपटॉप नहीं, अगर मोबाइल्स हैं तो उनके पास वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते, मोबाइल भी ठीक नहीं, वो पढ़ाते थे अद्धे स्पेलिंग आते हैं सिर्फ, वो कहते हैं मोबाइल चला लेंगे लेकिन उतने सिग्नल नहीं आते, हम नाल छोटे छोटे टावर दे दें तुम छत ते रख के चला देंगे। नहीं मगर ये बात बिल्कुल सही है जी, ये देखिए ये हो रहा है, कहाँ आप लोगों ने तो लैपटॉप भी ना दिया, एक पिछले वाले इतने लैपटॉप देके गए, आपने तो एक लैपटॉप ना दिया, आपको क्या पता क्या वो लैपटॉप कहाँ गए थे और कहाँ पर है? अब ये स्टूडेंट्स के पास नजर आते हैं, वो स्टूडेंट जहाँ पर जिनको दिए थे वो तो ऑनलाइन आके पढ़े ना, वो तो पढ़े मगर इस वाले आई वुड लाइक टू से के गवर्नमेंट को इतना एक्शन लेना चाहिए कि वो चलो बेशक ना करें 70% या 100%, बट एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स को इतना प्लेटफॉर्म दे के वो अपनी इजिली स्टडी कर सकें। देखें ये हो रहा है पंजाब के ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पेंडेमिक की वजह से काफी चीजें डिस्टर्ब तो हुई है, पेंडेमिक तो खैर एक बिल्कुल ही और एक मामला है जो पूरी दुनिया का है। दूसरा अगर आप ये तो आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप देखें तो स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स के भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों के बच्चे, लेकिन वो हो नहीं सकता है, वो पॉसिबल नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन बच्चों को, और वो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो स्टिकर लगा के वो लैपटॉप ऑन करके सो जाते हैं। उन्होंने जैसा कहा ये, और आपने कहा कि पंजाब हुकूमत में क्या नहीं हो रहा, तो आपके अपने ही पार्टी के बहुत से लोग हैं जो कि नाखुश है पंजाब हुकूमत से जी। कुछ तो पंजाब असेंबली के अंदर आप वाकिफ होंगे उनसे, और बहुत एक बार ये मामला हो भी चुका है और फिर खान साहब को आना पड़ता है खुद और आके फिर ठंडा करना पड़ता है मामला, इत्तेहादी तो छोड़ दें, आपके अपनी ही पार्टी के लोग भी बहुत नाखुश चल रहे हैं, और साथ ही साथ फिर आप कहते हैं कि भैया पंजाब हुकूमत वाले तो फंड ही नहीं दे रहे, हम क्या करें, हमारे हलकों में हम लोग बैठे हुए एमएनएस बन के और हमारे हलकों के अंदर काम ही नहीं हो रहा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले ये शायद मेरे अपने कॉलीग्स मुझसे इस बात पे इत्तेफाक ना करें के? लेकिन हमारा मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज का जो काम है वो है लेजिस्लेशन, ठीक है, हमारे अपना जो रोल है ना एक लेजिस्लेशन का, वो हमारा वो किरदार हम भूल गए हैं, ठीक है, और हम लोग पुल सड़क नाली और जो लोकल गवर्नमेंट का जो काम था उसका हम लोगों ने जिम्मेवारी बेड़ा उठा ली है, विच इज रॉन्ग। हम लोगों को अक्सर लोग मीडिया आके पूछती है कि जी आपको कितने फंड मिले कितने नहीं मिले, और मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि देखिए हमारा काम पॉलिसी बनाना है, हमारा काम लेजिस्लेशन है, हमारा काम ओवरसाइट का है, मगर तो हम अपना रोल भूल गए हैं मेरे ख्याल से, इट इज हाई टाइम। मैं तो कहती हूँ देना ही नहीं चाहिए फंड्स। बड़ी कोई जबरदस्त स्टेटमेंट दे दी आयशा जी ने कि पीटीआई के जितने लॉ मेकर्स हैं वो सुन ले पंजाब में फंड देना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। सियासत का खुशगवार नहीं, अभी इकॉनमी है मसनूई तनफ्फुस पर, सो कारोबार के हालात साजगार नहीं है, इत्तेहाद एहतसाब से बचने के लिए, वगरना कोई किसी का भी जानिसार नहीं, पकीगा
ਗੱਲ ਆ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ वेलकम बैक टू मान ये बताएं मॉडलिंग जो आपने शुरू की ये भी प्लान में था या पहले से शौक था आपको या किसी दिन कोई मिला और उसने कहा कि आओ तुम्हारी तस्वीरें खींचता हूं मैं नहीं अक्सर ऐसा होता है ना वो लोग कहते हैं कि एक्सीडेंटली हुआ तो एक्सीडेंटली ऐसा ही कुछ हुआ होता है सीन ये था कि जब से घर में आंख खोली है होश संभाला तो मेरी माँ ने मेरे जहन में सिर्फ ये डाला हुआ था कि बेटा तुमने कुछ बनना है तुमने कुछ ऐसा करना है कि जिसे तुम्हारा नाम हो तो मेरे जहन में वही कशमकश वही सारा मतलब बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि मुझे करना है कुछ करना है तो मेरा सारा फोकस इसी चीज़ पर है आई वॉज वेरी कन्फ्यूज क्या ऐसी चीज़ हो कि मैं कि यहाँ बैठा हूँ तो मेरा नाम वहाँ लिया जा रहा हो मैं यहाँ हूँ तो मेरी फ़ोटो वहाँ पे देखी जा रही हो मेरे चर्चे वहाँ पे हो रहे हो सो पहले तो मेरा स्टार्ट ये था कि आई वॉन्टेड टू बी अ सिंगर जो अनफॉर्चुनेटली आई गेस मेरी आवाज़ नहीं थी या वैसा मेरे पास आई गेस कॉन्फिडेंस नहीं था तो उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ देन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तब भी मुझे कंफ्यूज था कि यार कंप्यूटर की स्टडी कर रहा हूँ तो आगे मैं किस फील्ड में जाऊँ तब मेरे माइंड में हल्का फुल्का टच आ गया था कि यार मुझे एक्टर बनना है मुझे मॉडल बनना है उसके लिए मुझे स्टडीज़ करनी पड़ेंगी बट मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि वालिदा मोहतरम की कि बेटा इंजीनियर बनना है आपने और साथ अगर जो करना हो उसके लिए मैं इजाज़त दे देती हूँ शुक्र है माँ जी ने ये नहीं कह देता कि पुत्र वड्डे होकर वज़ीर आज़म बनना ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी सी शुक्र तुसी इंजीनियर तक रुक गए जी उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो तब कोई ऐसे कोई अप्रोच वगैरह या कोई ऐसा अभी स्पार्क मुझे नज़र नहीं आया था तो अल्लाह का नाम लेके डिग्री स्टार्ट की आईटी की वो भी अभी एक साल हुआ और उसके बाद से फिर मुझे डिस्कवर करना शुरू कर दिया एंड पीपल आर अप्रोचिंग मी मीडिया रिलेटेड और शूट वगैरह स्टार्ट हो गए स्टार्ट किया पहली सीढ़ी पे पांव रखा और अल्हम्दुलिल्लाह सीढ़ियाँ चलती जा रही हैं और आज आपके सामने बैठा हुआ मैं और आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक या मैं इवन के यूनिवर्सिटी में थिएटर करता रहा हूँ मतलब मीडिया में आने से पहले पहले तो अब जरा शूट्स में जरा बिजी और स्टडी के साथ हैंडल कर रहा हूँ यानी कि आप आगे एक्टिंग या मेरा यही है कि मैंने एक्टिंग ही करनी है अच्छा सो आई वॉन्टेड टू बी अ स्टार यू वॉन्ट टू बी अ स्टार या नॉट एन एक्टर आई गेस एक्टर का मतलब ही स्टार होता है ये तो बीच में डिफरेंशिएशन है नहीं फंसना मेरे दोस्त इस पार्ट नो एक बहुत जबरदस्त एक लाइन है जो कि आपको बीच में आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि एक्टर एक होता है स्टार खाली भी होता है फिर एक एक्टर स्टार भी होता है तो ये तीनों में से कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं आप शुरू करना चाहूंगा मैं एक्टर से हाँ फिर आऊंगा स्टार पे अच्छा फिर बन जाऊंगा एक्टर स्टार फिर ताड़ी आंख खोल जानी थे माँ जी ने बड़ा काम कर छोटा भाई है आप तो उस बेचारे भाई को बोलने भी दे ना मैं तीन चार गल्ला सुनते नहीं एक्टिंग आपको किसकी पसंद है किसी की एक्टिंग देखते हैं पाकिस्तान में हाँ पाकिस्तान में किसकी? तो मुझे इमरान अशरफ साहब की बड़ी अच्छी लगती है इमरान अशरफ ठीक है उसके बाद हमायूं सईद साहब की हमजा अली बासी साहब की और फवाद खान ठीक है और एक्ट्रेसेस में कौन पसंद एक्ट्रेसेस में मुझे सजल अली मेरी फेवरेट है उसके बाद मायरा खान वो तो सबकी फेवरेट है माया अली महवी शहयात ये माया अली महवी शहयात सबकी फेवरेट नहीं है नहीं आपने माहिरा खान पे कहा ना कि वो तो सबकी फेवरेट हैं तो आपको बाकियों के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है नहीं बाकियों का मैं नहीं मतलब गारंटी दे सकता आप गारंटी नहीं दे सकते कि सबकी लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली नहीं आपकी तो ये चारों ही फेवरेट है मगर आपने माहिरा खान पे बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया कि सबकी फेवरेट है मतलब बाकी भी सबकी फेवरेट होंगे नहीं अब आप सोच लें फाइनल करें एक बात आपके ऐशा जी इनमें से कौन सी फेवरेट है बताएं डिपेंड करता है रोल के ऊपर जनरली कोई आपको एक्टर्स पसंद हो अगर वैसे देखती हैं आप बहुत कम टाइम बहुत कम एक तो ये जो आप पॉलिटिशियंस के पास एक होता है ना कि बहुत कम टाइम मिलता है हम तो देखते ही मैंने नहीं मैंने आपकी मूवी देखी है वैसे ऐसे नहीं थे पीटीआई को कम नहीं हो रहा आप बुरा मत माने हम आपके भी प्रोग्राम्स देखते हैं आपने उर्दू का ड्रामा देखा उसमें शीरी मिजारी साहब का काम कैसा लगा आपको वैसे आप तो देख रही हैं आरती नहीं कभी कभी अब जिस तरह ये थोड़ा बहुत ये लॉकडाउन वगैरह में बिकॉज वी वर वर्किंग फ्रॉम होम तो थोड़ा बहुत हमें टाइम मिल जाता था तो कुछ ना कुछ जरा पाकिस्तानी मूवीज और थोड़े बहुत अर्तुगल देखा आपने कि नहीं देखा नहीं वो नहीं देखा ये कैसे आप ये मतलब वो उसके लिए आपको बैठना पड़ता है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता सारी कॉम को आप लोग लगा दिए और आप खुद बैठ रहे आप कह रहे मेरे पास इतना टाइम नहीं था खान साहब सोच रहे
देखे, बड़ी बुरी बात है, आप खुद ही देख रही हैं। नहीं, टाइम नहीं मिलता, ऑनेस्टली टाइम नहीं मिलता, वरना मुझे आई डू एंजॉय पाकिस्तानी ड्रामे एंड मूवी, स्पेशली पाकिस्तानी में। आपने देखा? मैंने खत्म भी कर लिया। खत्म ही कर दिया आपने? मैंने सारे सीजंस देख लिए और मैंने उसका नेक्स्ट भी स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट भी स्टार्ट कर दिया। उस्मान गाजी, अच्छा वो भी शुरू कर दिया। अच्छा, इन्होंने तो इना अर्तुगरुल देखा, हीरो ने मोबाइल चो किया कि भाई बस कर, किसी और ने भी देखना है। अच्छा, तो आप उस्मान अब देख रहे हैं? जी, मैंने ऑलमोस्ट वो भी देख लिया। वो भी देख लिया, और उसके बाद क्या है? उनके बाद मैं बस इनको देखता रहा। अर्तुगरुल के बाद आप सीधा अर्तुगरुल के ऊपर? मतलब आपको थोड़ा सा कोई बैलेंस तो रखे ना जिंदगी में, ये क्या? नहीं, वो सीरियस हो गया था, मैंने जरा नहीं अच्छा किया। मैं देखता रहता हूँ इनको। आपने इनकी मूवीज भी तो देखी होंगी? या मूवीज वो कह रहे हैं इनकी, या बूटा गाला कट दे रहा। उनकी फिल्म का नाम कुछ और है, वो उसके अंदर डायलॉग था ये चल मेरा पुत्र फिल्म का। आपने इनकी मूवी नहीं देखी कैसर भाई? ये रोजाना फिल्में करते रहते हैं। ये तो मैंने करनी थी फिल्म, आज आए ना इनकी जगह, अगर बैठी होती फिल्में ही थी फिर। दिल तो साड़ी देती, काट ला पूछ ला कि की सोचा। Good, are you? You know, last night I was watching the television. Okay. And my sweet Prime Minister Imran Khan. Yeah. And he was saying ke darakht lagao aur zindagi bachao. That was, I was thinking about ke main vi is mulk da khana te mainu is noble cause ch participate karna chahida. So I went to the home. Utho main guitar chukya, बैग चुके थे, मालक मुकान मन कहता वेयर आर यू गोइंग टू, मैं कहा आई एम गोइंग टू बी अ नोबल कास्ट, मैं दरख्त लगाने जा रहा हूँ। कहता हाउ लॉन्ग, मैं कहा हो सकता महीना डेढ़ महीना लग जाए। कहता भाई नोबल कास्ट तो अच्छी है, बट यू हैव टू पे इन एडवांस। मैं कहा मैं तो नोबल कास्ट वास्ते जा रहा। कहता फिर मैं मकान किसी नूं दे देंगा ते फिर आप दोबारा लभी। फिर मैं सोचा भी ये तो बड़ा ही जालम इंसान है, इन्हें तो लॉकडाउन च नहीं मैनू किराया माफ किया, ते नोबल कास्ट किथे करेगा। मैं उन्होंने प्रामिस किया, मैं क्या उन्हें तेरे मुंह ते मारना, मैं 15,000 जो मैं उन्होंने दे के ते तुहाडियां जिंदगियां बचावा। तुहाडी जिंदगी नूं खतरा है, सांस की कमी हो रही है लोगों के, बीमारियां बढ़ रही ने, दरख्त लावांगे ना आक्सीजन हो जाएगी, इतने तेरों तेर वो वाल भी उग पैणगे। सो व्हाट शुड आई डू, मैं उन्होंने कहा मैं 15 मिनट लैके आ रहा 15,000, मुझे तो नहीं पता भाई, कुड यू प्लीज हेल्प मी 15,000। मैं तुहाडी जिंदगी बचानी है वरना मरोगे फिर मेरी तरह। तू तो मरे ही फिरन डया, साडी बचा। इमरान खान साहब की कंपेन इन्नी चलाई है, जिन्हें वोट आए ने 70% मेरी वजह तो आए ने। जदों दा आ गया इमरान मेरी जान, वो बन गया नवा पाकिस्तान, वो बन गया नवा पाकिस्तान। देखा जी पीटीआई दे लोगों का विजन कितना तेज है, आज पता लगा कि डैम केपी के गए ने। एक्सक्यूज मी, तुहाडे वास्ते डैम बना रहे और विच मियां इमरान खान साहब ने स्विमिंग करनी है। तुहाडियां जिंदगियां बचाने वास्ते वो 10 किलो दे वटे बन के ते रोज भजदे ने कि तुहाडी जिंदगी, आई एम टेलिंग इट ट्रू। बच्चा मॉडल ते कोई 150 नहीं, नहीं
नहीं अजय नवे नवे ने ना बिल तो गए तुम्हें जस्ट 5,000 10,000 और होंगे तेरे कहीं और से मिल जाएंगे चपेड़ा मेरे मुंह से बड़ी जोर जी मारता है अरे तो कौन सी पहली बार है ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਦੈਟਸ ਇਟ ਨੋ ਮੋਰ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਪਿਆਰ ਲਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ 5,000 ਦਾ ਪਾਟਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ ਕੌਣ ਹਾਂ कहते नहीं ये कुदरत की तरफ से आया है हाँ। कुदरत ही निकालेगी हम कुदरत के कामों में क्यों मुदाखलत करें वेलकम बैक टू मुज़ाकरात आयशा जी पिशावर की रिवाइवल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दैट पिशावर रिवाइवल लोकल गवर्नमेंट के अंडर एक कमेटी नोटिफाई हुई है जिस कमेटी को मैं लीड कर रही हूँ उसमें हम लोग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सोशल एम्पावरमेंट एंड उसके साथ पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स उसको मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ बाकी उसमें अर्बन डेवलपमेंट वगैरह भी आ जाता है जिसमें आपका ट्रैफिक वगैरह जिसमें ये आपने देखा होगा कि बिल्डिंग के पेंट नहीं हुए हैं एक एक्सटीरियर जो बिल्डिंग है जिस तरह नजर आता है ट्रैफिक आपकी आ जाती है पोल्यूशन उसमें आ जाता है और एक कमेटी है जिसमें आपका आर्कियोलॉजिकल क्योंकि पिशावर आपको पता है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी और उसकी हिस्ट्री भी है और आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी काफ़ी हमारे हैं पिशावर में तो उसके वो जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारा हेरिटेज है उसको कैसे रिवाइव करेंगे कि वो टूरिस्ट के लिए भी एक अट्रैक्शन भी हो और नॉट जस्ट दिस के उसके अलावा हम लोग उसको एक पायलट प्रोजेक्ट बना के उसी चीज़ को फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में रेप्लिकेट करेंगे जिस तरह आपने देखा होगा कि आप किसी भी शहर में घुसते हैं जिस तरह हम लोग पिशावर से लाहौर आए हैं फर्स्ट चीज़ आपका इम्पैक्ट क्या आता है आप ट्रैफिक देखते हैं या आपको अगर कोई फकीर नजर आ रहे हैं या आपको कोई बच्चे नजर आ रहे हैं सड़क पे जो कि स्कूल आवर्स में बाहर फिर रहे हैं तो वो इस तरह की चीजों को हाईलाइट करके उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं एंड वी आर कमिंग अप विद वेरी गुड हमारी मार्केट में बहुत अभी आई पेशावर से तो आप लाहौर एंटर की तो आपका फर्स्ट इंपैक्ट क्या आया था लाहौर का टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हमेशा लाहौर मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड मुझे ये जो आपके कनाल के साइड पे जो ग्रीनरी लगी है और जो ट्रीज लगे हैं मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगता है ये तो नून लीग वालों के जमाने से लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं है तो मतलब वो तो जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए भाई जान साफ दे करवा रहे हैं ना नहीं मगर ये बड़ी बात है नून लीग के जमाने की अच्छी चीज निकल रही है कोई नहीं नहीं हम लोग देखिए वो चीजें अच्छी है उसको आप कहना भी चाहिए लेकिन फिर ये है कि सिर्फ यही लाहौर पे फोकस था बाकी साबित हो गई कौन सी वाली के सार मुंडाते ही औले पड़े ये कैसे मेरी आंख खुली तो टली तो टली टली तो टली आई करके मैं चुके थे कह मेरी शाह साहब माय बेस्ट फ्रेंड मैंने कहा ने किथे मैं कह लाहौर ओ कहंदे ने हर वारी लाहौर की मसला तेरा मैं कह सर बुजदार साहब नाल दिल लग गया नाले मेरे वजीर आला ने मैंने कहंदे ने सानू ही टाइम दे अल्लाह दे बंदिया कम टू द कराची एज सून एज पॉसिबल मैं कह सर मैं एयरपोर्ट तक ते आ जावांगा जैकेट पवाई लाइफ जैकेट हैज बीन त्रिगड़दम बह गया बजी है मोटर बोट करके गई है जिथे जाके पार्क हो उत्ते लिखिया सी कायम अली शाह हाउस उत्तों आवाज आई है अदा सही ऊपर आ जाओ चढ़े फिर इको साथ में 27 सीढ़ियां उत्ते की माहौल सी यार अच्छा ओए 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 चार कुर्सियां ते उत्ते छतरी वड्डी साइड दे उत्ते टप पिया मसाला लगियां मछली हाय फ्रेश ते मैं वेख्या था नाले कुंडी पा के खलोते भी सन मैं क्या सर एक ही मैंने कहा ने मेरे लीडर बिलावल जरदारी ने क्या कहा था जब बारिश होता है तो पानी आता है जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है कहंदे ने हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री मुतारफ कराई है वो क्या जब ज्यादा पानी आता है तो समंदर कराची बन जाता है कहंदे वे फिर सारे कराची का मसला हल कर दिता क्या कराची वाले कहंदे सन पानी नहीं है पानी नहीं है पानी नहीं है मैंने कहंदे ने इधर वेख चारों पासे पानी 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 ये भी कहने मसला हल हो गया ते मैं कह सर मछियां
ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਫਰੈਸ਼, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੋ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮਗਰਮੱਛ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਛੋੜ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਨਿਕਾਲੇਗੀ, ਹਮ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਕਾਮੋਂ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰੇਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈ ਲਵ, ਉਹ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨੋ ਸੇ। ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ? ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਰਦੀ ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਇਹ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾਣੋਂ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਐਲ ਐਲ ਬੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਾਦਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਠਾ ਠਾ ਜੇਲਾਂ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਗੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਆਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं परवेज खटक और महमूद खान। महमूद खान साहब जो अब है वजीर आला, वही है सबके दिल का राजा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं मैडम आपसे। चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठी हैं, उसमें 2 सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगी उस शख्स के वापस आने की गारंटी मौजूद नहीं है। तो किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगी और वहीं छोड़ देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शौकत यूसुफ़ज़ई और अजमल वजीर खान। दोनों ही भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं? अजमल वजीर साहब चले। अजमल वजीर खान साहब, आपको चांद पे लेके जाया जाएगा और आप वहीं पे रह जाएंगे इनके मुताबिक। ये बताइए मैडम, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब, शाह साहब बड़े इस मामले में हमेशा वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मरियम औरंगजेब, आयशा गुलेलई और रिहाम खान। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगी? ओके, मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब के साथ सेल्फी, नून लीग सेल्फी ले गई। ये बताइए स्माइल किसको दे रही हैं? आयशा गुलाली। स्माइल उनको और किसको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? रिहाम। रिहाम खान, ठीक है। ये बताइए टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शन आपके पास है जनाब शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। डेफिनेटली शहबाज शरीफ सर। डेफिनेटली शहबाज शरीफ। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं परवेज खटक और महमूद खान।
महमूद खान साहब जो अब है वजीर आला, वही है सबके दिल का राजा। थैंक यू सो मच जी मनान। आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रहे हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर आमिर लियाकत। आई थिंक फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को कॉल करना चाहेंगे। लिफ्ट में एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास महवेश हयात, सबा कमर और हानिया आमिर। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? सबा कमर के साथ सेल्फी है। स्माइल किसको दे रहे हैं? हानिया आमिर को। और किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? महवेश हयात। महवेश हयात को कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, दो वीआईपी पास आपके भी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और जनाब जुल्फी बुखारी। पहले तो मुझे ये नहीं पता ये हैं कौन। ओके, जबरदस्त। एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और एक मिनिस्टर हैं फेडरल फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। इंफॉर्मेशन वाले कौन से हैं? फयाजुल हसन चौहान। बस उनको ले जाओ। ओए हो, इन्फॉर्मेशन वाले फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका इंतखाब किया गया है टाइटैनिक के ऊपर इनके साथ। ये बताइए इनमें से किसके साथ एक साल में काम करना चाहेंगे, किसके साथ दो साल में काम करना चाहेंगे और किसके साथ काम ना भी करें फिलहाल तो ठीक है, चलता है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और नुमान एजाज। तो ये बताइए किसके साथ एक साल में काम करना चाहेंगे? नुमान एजाज साहब। दो साल में किसके साथ? फवाद खान। किसके साथ ना भी करें तो चलता है? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब, ठीक है। ये बताएं फिर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और जनाब नवाज शरीफ। माहिरा खान। कोई खास वजह? क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। ओए होए होए होए, घर वालों देख लीजिए, ना पहले वोट दिया और ना आज मियां साहब को लाइफ जैकेट, बच्चा किस साइड पे चला गया आप खुद ही डिसाइड कर लें आगे। वैसे आपने चीटिंग की है, इनके आसान थे जरा क्वेश्चन आंसर्स, मेरे डिफिकल्ट थे। वो देखे, वो बच्चा छोटा भी तो कितना है। मैं वैसे बता दूं ये प्रेशर में मैंने ये जवाब दिए सारे। हम तो इतने मासूम से फनकार टाइप लोग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बनाना आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, अपना ख्याल रखिएगा। सर आ जाए फिर।